नमस्कार दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों आपको बता दें कि 14, 15 और 16 अगस्त के दरमियान में आपके जीवन काल में आपके कुंडली में शनि और रवि की युति के कारण बहुत ही महत्वपूर्ण योग का निर्माण होने वाले हैं, जिससे दोस्तों आपकी कुंडली में दो रेखाएं आपके लिए शुभ स्थिति में आने वाले हैं। जी दोस्तों, ये आपके लिए बहुत ही शुभ संकेत मिलने वाले हैं। इसलिए आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे इन तीनों के महाराशिफल के बारे में कि यश में आखिर ग्रहों की क्या स्थिति होगी, क्या क्या योग बनेंगे और इन सभी का श्राप की राशि पर क्या होगा, किन किन चीज़ों को लेकर यश में आपको सावधान रहना होगा और आखिर कौन कौन से कार्य आपके लिए भाग्यशाली होंगे। यश में आपका लव लाइफ कैसा रहेगा, स्वास्थ्य कैसा रहेगा, करियर कैसा रहेगा। दोस्तों इन तीन दिनों में आपका पारिवारिक जीवन कैसा रहेगा, आर्थिक स्थिति और धन को लेकर स्थितियाँ कैसे व्यतीत होंगे, इन्हें सभी की महत्वपूर्ण जानकारी देंगे। तो दोस्तों वीडियो को बिल्कुल ही मिस ना करें। उससे पहले दोस्तों यदि आप चैनल पर नए हैं तो दोस्तों चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें, साथ ही बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पर सेलेक्ट कर लें। तो आइए दोस्तों बात करते हैं, जान लेते हैं पहले ग्रहों की स्थिति के बारे में। दोस्तों 14 अगस्त की बात करें तो दोस्तों इस दिन शनिवार का दिन होगा, भगवान शनिदेव का दिन होगा, शुक्ल पक्ष की षष्ठी तिथि रहेगी और चित्रा नाम के नक्षत्र के साथ ही इस दिन शुक्ल नाम का योग रहेगा। जी हाँ दोस्तों, बहुत ही अच्छे योग हैं। राहु काल का समय दिन सुबह के 9:18 से लेकर सुबह के 10:55 रहेगा और चंद्रमा दिन तुला राशि पर संचार करेंगे। वही दोस्तों अगले दिन की बात करें तो दोस्तों इस दिन रविवार का दिन रहेगा। इस दिन सप्तमी तिथि, विशाखा नक्षत्र और ब्रह्म नाम का दुर्लभ संयोग के साथ ही इस दिन इंद्र नाम का भी योग बन रहे हैं। जी दोस्तों, यही योग आपके जीवन काल में बड़ा चमत्कार करेंगे। राहु काल के समय इस दिन सावधान है, यह समय रहेगा शाम के 5:19 से लेकर शाम के 6:55 तक। चंद्रमा दिन तुला के उपरांत वृश्चिक में गोचर कर जाएंगे। वही दोस्तों आखिरी दिन 16 अगस्त की बात करें तो सोमवार का दिन होगा, शुक्ल पक्ष की अष्टमी तिथि और इस दिन अनुराधा नक्षत्र के साथ ही जो योग हैं वह वैधृति नामक योग रहेंगे और आखिरी दिन में भी बहुत ही अच्छे योग हैं। राहु काल का समय सुबह के 7:43 से लेकर सुबह के 9:19 रहेगा, चंद्रमा वृश्चिक में ही संचार करेंगे। तो आइए दोस्तों बात करते हैं तीनों की जो ग्रहों की स्थिति है और चंद्रमा का ये जो गोचर है आपकी राशि पर क्या क्या प्रभाव लेकर आती है। चलिए दोस्तों बात करते हैं पूरे विस्तार से। दोस्तों यह समय घर में परिवारजनों के साथ हर्षोल्लास में समय बीतेगा, संतान की प्रगति के समाचार मिलेंगे। दोस्तों यश में दूसरों का आप भला करने की कोशिश करें। दोस्तों बंधुओं के साथ यश में जो आपका अच्छा बीतेगा तथा उनके साथ घर में बैठकर प्रश्नों की चर्चा भी होगी। दोस्तों इन दिनों में यश में किसी धार्मिक स्थल पर जाने का जो है एक सफल आयोजन होगा। वही दोस्तों इन दिनों यश में की अगर निगेटिव की बात करें तो दोस्तों यश में परिवारजनों के साथ आप झगड़े न हो, इसका आप विशेष ध्यान रखें। परिवार के सदस्यों के बीच की जो गलतफहमी है उन्हें आप दूर रखें। धार्मिक सामाजिक कार्यों में यश में व्यस्तता बढ़ेगी तथा दोस्तों इन दिनों में इन सभी के बीच आपका खर्चा भी बढ़ सकता है। दोस्तों यश में दाम्पत्य जीवन में छोटी मोटी नोक झोंक हो सकती है, संभल कर अपनी बात अपने जीवन साथी के सामने रखें। अपने सामने यश में मधुरता अपने वाणी में रखें, यश में अपने जो है वाणी पर आप नियंत्रण रखें, इससे आपका जो है दाम्पत्य जीवन है और भी अच्छी तरह व्यतीत होगा। दोस्तों इन दिनों में आपके लिए अपने मन की आवाज़ सुनने और उस पर सकारात्मक तरीके से काम करने का समय होगा। दोस्तों आपको कुछ मामलों में मनचाही सफलता भी यश में मिल सकती है, जिनसे आप काफ़ी प्रसन्न रहेंगे। दोस्तों ये दिन आप अपने भीतर काफ़ी ऊर्जा भी महसूस कर सकते हैं। दोस्तों इन दिनों में बिजनेस के मामले में आप काफ़ी जोखिम और साहस से काम लेंगे। दोस्तों किसी भी फैसले के पहले गंभीरता से और सावधानी से विचार करने की आवश्यकता होगी। कोई भी काम हो उस पर पहले अपने जो है सोच विचार से फिर अपने किसी सलाहकार से आप सलाह ले लें, जो कि आपके लिए और भी अच्छा होगा। वही दोस्तों इन दिनों में अगर आपकी करियर को लेकर बात करें तो दोस्तों यश में बिजनेस में किसी बड़े इन्वेस्टमेंट की योजना बना सकते हैं। दोस्तों इनसे जो है आपको लाभ मिलने की संभावना अधिक रहेगी। दोस्तों ये लाभ मिलने के योग भी यहाँ पर बन रहे हैं। दोस्तों इन दिनों में आप निर्धारित कार्य कर सकेंगे, आर्थिक लाभ की प्राप्ति होगी। वही दोस्तों यश में नौकरी तथा व्यापार में लाभ होने की संभावना भी है, स्त्री मित्रों से कार्य मिल सकता है। दोस्तों लक्ष्मी देवी की कृपा दृष्टि जो है यश में आप पर बनी हुई है। वही दोस्तों यश में आपकी लव लाइफ को लेकर बात करें तो समय रहते आपको जरूरत होगी
कि आप प्रेमी जन के बीच विवाद को सुलझाने की कोशिश करें, अन्यथा दोस्तों ये जो विवाद है आपके बीच, जो भी विवाद है वह रिश्ते को भी तोड़ सकता है। वहीं वैवाहिक जीवन यानी वैवाहिक जीवन के जो भी जातक हैं उनकी अगर बात करें तो उनके जीवन में ये जो समय है अनुकूल फल देने वाला समय होगा। दोस्तों इन दिनों में आप अपने साथी के साथ कोई अच्छा व्यवहार भी कर सकते हैं। दोस्तों आप उन लोगों से किसी प्रकार की भावनाएं भी शेयर कर पाएंगे जिनसे आप गहरा यशमय रिश्ता रखते हैं। वहीं दोस्तों यशमय आपकी हेल्थ को लेकर बात करें तो दोस्तों यशमय मौसमी बीमारियाँ या फिर वायरल इन्फेक्शन की आशंका है। दोस्तों यशमय आप मौसमी बीमारियों को लेकर सावधान रहें। दोस्तों यशमय विपरीत परिस्थितियों को बुद्धिमत्ता से झेलने का विश्वास अपने अंदर पैदा करेंगे तो आप स्वस्थ बने रहेंगे। दोस्तों यशमय आपका भाग्यशाली रंग रहेगा गुलाबी और भाग्यशाली अंक रहेगा 6। दोस्तों यशमय काम की जगह सहकर्मियों और ऊपरी अधिकारियों के साथ आपके जो संबंध हैं वो सौहार्दपूर्ण रहेंगे। दोस्तों ऐसा गणेश जी कहते हैं, वे आपके कार्य की सराहना भी करेंगे। दोस्तों यशमय की जो दोपहर के बाद परिस्थिति होगी वो आपके लिए अच्छा रहेगा, परंतु दोस्तों उसके बाद आपके लिए कुछ समस्याएं निर्मित हो सकती है यानी समस्याओं का भी आयोजन हो सकता है। दोस्तों कुछ अवरोध ऐसे आते हैं कि आप उनके ध्येय तक न पहुंच पाते हैं, फिर भी आपको अपनी क्षमताएं एवं ईश्वर पर श्रद्धा रखनी चाहिए। आप अपने यशमय अपने ईश्वर को पुकारें, अपने इष्ट देव को याद करें, इससे यशमय आपका कट सकता है। वही दोस्तों इन दिनों में अगर आपकी वित्तीय स्थिति को लेकर बात करें यानी दोस्तों धन को लेकर, तो दोस्तों यशमय एक लुभावने सौदे तय करने की दिशा में अधिक इच्छा आपका होगा। पहले पखवाड़े में आप काम करने के लिए समर्पित रहेंगे, लेकिन दोस्तों यशमय जैसे जैसे समय बीता जाएगा साथ ही अपने मन में आप बैंकिंग जरूरतें, मौद्रिक मामले या फिर वित्तीय लाभ जैसे विचार अपने मन में आप ला सकते हैं या फिर आपको मन को ये जो योजनाएं आपको घेर सकती है। वही दोस्तों इन दिनों में आपकी पारिवारिक जीवन की बात करें तो अपनी सकारात्मक आभा को फैलाएं और परिजनों को प्रभावित करें। दोस्तों यशमय आप ऐसे सभी नकारात्मक विचारों को दूर भगा दें जो आपके रिश्तों में बाधा बनते हैं। दोस्तों यशमय अपने साथी के साथ तोहफा का आदान प्रदान भी आप कर सकते हैं। दोस्तों एक परिपक्व और सामंजस्यपूर्ण संबंधों को जन्म दें, ये हो सकता है। दोस्तों यशमय आपकी आर्थिक स्थिति की अगर बात करें तो दोस्तों यशमय विदेश से आपको लाभ मिलने के संकेत हैं। यदि आपने विदेशों में निवेश किया है अथवा विदेश से किसी अच्छे समाचार की प्रतीक्षा थी तो दोस्तों यशमय आपकी इच्छा पूरी हो सकती है, आपको खुशखबरी मिलेगी। सितारे आपके पक्ष में हैं, सकारात्मक विचार बनाए रखें। वही दोस्तों यशमय असुरक्षा दुविधा के चलते आप असमंजस में फंस सकते हैं। बिन बुलाए कोई मेहमान यशमय आपके घर में आ सकता है, लेकिन इस मेहमान की किस्मत की वजह से आपको आर्थिक लाभ हो सकता है। दोस्तों इस वजह से ऐसी जानकारी आपको जाहिर न करना चाहिए जो व्यक्तिगत और गोपनीय हो। दोस्तों यशमय के ढलते ढलते कोई आकस्मिक जो है रूमानी सुझाव आपके दिमाग पर छा सकता है। दोस्तों ऐसे में यशमय की शुरुआत जो है आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा, कार्य संतोषजनक रूप से पूरा हो सकता है। दोस्तों यशमय जो है शराब का सेवन आप बिल्कुल ना करें, इससे दोस्तों मंगल बिगड़ता है, इसलिए दोस्तों पारिवारिक सुख हेतु इसका आप त्याग करें, इससे आपका पारिवारिक जीवन जो है और भी उत्तम होगा। दोस्तों यशमय आपको कौन से उपाय को करना चाहिए? दोस्तों मान सम्मान और यश समृद्धि का ग्रह शुक्र होता है, लेकिन दोस्तों अगर शुक्र कमजोर हो तो दोस्तों कुछ भी नहीं मिलता, इसलिए दोस्तों यशमय आप जो है शुक्र को मजबूत करना चाहते हैं तो दोस्तों शुक्रवार के दिन जो है संपूर्ण भाग्य के लिए दही अवश्य खाएं। दोस्तों यशमय आपका इनसे जो है संपूर्ण भाग्य आपका साथ देगा और अपनी सफलताओं को आप इनसे छुपाएंगे, तो दोस्तों इन उपायों को जरूर करें, ये आपके लिए भाग्यशाली होंगे। साथ ही दोस्तों और इससे अधिक जानकारी के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को अधिक से अधिक लाइक करें, शेयर करें। धन्यवाद।